हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स मुताबिक आज का टॉपिक है हाउ द कंपनीज आर स्ट्रैटेजिकली मेकिंग द एम्प्लॉय रिजाइन यस दो तीन स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी तो बहुत सारा है पर एक वीडियो में अगर मैं सब कुछ कवर कर लूंगा तो फिर पॉसिबल नहीं है तो मैं दो तीन ऐसा स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो कंपनीज आजकल फॉलो कर रही इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द एम्प्लॉयज रिजाइन नंबर वन स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट इज फोर्सिंग द एम्प्लॉयज टू टेक अ ट्रांसफर इन अदर डिपार्टमेंट सोच लो अगर आपका एक्सपर्टीज किसी एक डिपार्टमेंट में है एंड मैनेजमेंट इज आस्किंग यू टू गेट ट्रांसफर्ड इन अनदर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट इज सेट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गेट ट्रांसफर्ड इन दैट डिपार्टमेंट दर इज नो जॉब अगर आप ट्रांसफर नहीं लोगे दैन यू विल बी टर्मिनेटेड बिकॉज वी डोंट हैव बजेट तो एम्प्लॉज ये सोच रहे कि इससे अच्छा मेरा नौकरी चला जाए मैं दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता हूं और जाके मैं, मैं वहां पे जाके काम सीख लूंगा अगले तीन चार महीने में उस एम्प्लॉय का नौकरी जाता ही जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज विल बी देन पुट अंडर द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान वो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो कंफर्म करेंगे टू द मैनेजमेंट दैट द द एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर्ड इन माई डिपार्टमेंट इज नॉट अ वेरी गुड एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एवरीथिंग सो आई वुड नॉट लाइक हिम टू विन माई डिपार्टमेंट सो मैनेजमेंट ग्रेजुअली एंड स्लोली पुज दम इन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान एंड आपको पता ही परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में होता क्या है द एम्प्लॉयज गेट टर्मिनेटेड इन अ वेरी स्ट्रेटेजिकल मैनर नंबर टू पॉइंट है नंबर टू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है दैट पोजिशन इज नॉट बींग फिल्ड बाई द मैनेजमेंट ओके एंड जो काम जो वो बंदा कर रहा था जो छोड़ के चला गया उसका काम थोपा जा रहा है किसी और को बंदे को इतना ज्यादा स्ट्रेस में लेके आ रहा है मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज आर हो हेल्पलेस एंड दे आर रिजाइनिंग एट लास्ट चौदह घंटा पंद्रह घंटा अट्ठारह घंटा बारह घंटा रोज रोज काम करवाते मैनेजमेंट वीकेंड में काम करवाना मतलब ग्रिलिंग करना मीटिंग्स में इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं एम्प्लॉइज सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा मेरा नौकरी ना रहे बिकॉज मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज आर टेकिंग दिस टू स्ट्रेटेजीज इन टर्म्स ऑफ

सोचो आप नाइन टू सिक्स कर रहे हो आप इलेवन टू एट कर रहे हो आपको दिया जा रहा है सिक्स टू थ्री मतलब शाम छे से सुबह तीन बजे तक आपको बोला जा रहा है ये शिफ्ट नहीं लोगे तो तुम्हारा नौकरी नहीं रहेगा एंड एम्प्लॉयज मजबूरन ये नौ शिफ्ट टाइमिंग्स ले रहे हैं बिकॉज उसके पास कुछ चारा नहीं है बट तीन चार महीने के अंदर ही अंदर एम्प्लॉयज आर रिजाइनिंग बिकॉज उनका हेल्थ परमिट नहीं कर पा रहा है सो मेनी इश्यूज इनडाइजेशन एसिडिटी हाई बी पी येस अगर कोई बचपन से नाइट शिफ्ट करके आ रहा है वो अलग बात है पर अचानक आपको अगर नाइट शिफ्ट करने बोलेंगे तो आपका बॉडी ले नहीं पाएगा एंड द एम्प्लॉयज आर रिजाइनिंग ड्यू टू दिस एंड कंपनीज को लग रहा है अच्छा अच्छा हुआ बिफोर वी लेइंग ऑफ द एम्प्लॉयज द एम्प्लॉइज आर रिजाइनिंग सेल्फ सो ये स्ट्रैटेजी का आप काम आ रहा है सो so, ये तीन मेन स्ट्रेटेजी है नाहडेज